गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। और जैसा कि आपको पता है, यूपी पुलिस के 60,244 पद के लिए वैकेंसी निकली हुई है, और जिसके लिए हम आपके लिए एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज टॉपिक होगा पाइप एंड सिस्टम। और आज उसकी जो है दूसरी क्लास है, एक क्लास इसकी पहले हो चुकी है, तो आप फर्स्ट क्लास देखने के बाद सेकेंड क्लास को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्लास टू है, क्लास टू, और आपका ये क्वेश्चन नंबर है 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, यदि एक टंकी का 5/7 भाग 30 मिनट में भरता है, तब टंकी के शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। ओके, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि टंकी का 5/7 भाग 30 मिनट में भरता है, तो पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो भैया, इस पूरी टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो उस 30 में आप भाग दे दीजिए 5/7 से, टंकी को भरने में कुल समय आपको मिल जाएगा। तो कितना हो गया बच्चे, 30 × 7/5। 5 से इसको 6 बार कट कर देंगे, और 6 × 7 करने पर कितना होता है, 42। यानी कि 42 मिनट में टंकी पूरी तरह से भरती है, जबकि 5/7 भाग 30 मिनट में भर रहा था। तो उसने पूछा है कि जो शेष भाग है, उस शेष भाग को भरने में कितना समय लगेगा। तो 42 मिनट में पूरी टंकी भरी जाती है, 30 मिनट में उसका 5/7 भाग भर गया है, तो शेष को भरने लगा समय कितना होगा, 42 - 30, 42 - 30, यानी कि 12 मिनट आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। यानी कि दो पाइप है जो कि 8 घंटे और 12 घंटे में टंकी को भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि ए और बी को 3 घंटे के लिए खोला जाता है, यदि ए और बी को 3 घंटे के लिए खोला जाता है, तो फिर बंद कर दिया जाता है 3 घंटे के बाद, और उसके तत्पश्चात जो है सी को खोल दिया जाता है, तो सी टंकी को कितने घंटे में खाली करेगा, ये आपसे पूछा है। तो देखिए भैया, ए और बी 8 घंटे 12 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। जो पाइप ए है वो 8 घंटे में भरता है, ये क्वेश्चन नंबर 10। पाइप ए 8 घंटे में भरता है, जबकि पाइप बी 12 घंटे में उस टंकी को भरता है, लेकिन एक सी पाइप है जो मात्र 6 घंटे में भरी हुई टंकी को खाली कर देता है, 6 घंटे में सी खाली करता है। देखिए, ये दोनों पॉजिटिव कार्य कर रहे हैं, ए और बी, जबकि सी जो है नेगेटिव कार्य कर रहा है, तो इसलिए हमने पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन यहां शो कर दिया, ठीक है। अब देखिए, टंकी की धारिता देखेंगे, टंकी की धारिता कितनी होगी, तो इन तीनों नंबर का एलसीएम हमारा टंकी की धारिता होगी, जो कितना होगी भैया, 24 लीटर हो गया। यानी टंकी की धारिता कितनी भैया, 24 लीटर है। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई भैया, 8 से भाग दे 24 में, 3 लीटर प्रति घंटे की। वहीं बी की एफिशिएंसी 2 लीटर प्रति घंटे की, और वहीं सी की एफिशिएंसी 6 से भाग देंगे 24 में, तो 4 लीटर प्रति घंटे पानी को बाहर फेंकने की है। ये दोनों कैसा कार्य करते हैं, पॉजिटिव कार्य कर रहे हैं, और जब किसी नेगेटिव कार्य कर रहा है। ओके, अब उसने क्या कहा है कि यदि 3 घंटे के लिए ए और बी को खोल दिया जाता है, 3 घंटे के लिए, तो भैया हमें देखना 3 घंटे का ए और बी का कार्य कितना हो गया, 3 घंटे का ए और बी का कार्य कितना हो गया। तो देखिए, ए प्लस बी
एक घंटे में कितना कार्य करेंगे? 5 लीटर पानी स्टोर करेंगे दोनों को जोड़ने पर, 5 लीटर पानी स्टोर करेंगे, 5 लीटर। और वही ये कह रहा है कि इनको 3 घंटे के लिए खोला गया है। कितने घंटे के लिए? 3 घंटे के लिए खोला गया है। तो भाई 3 घंटे में ये कितना लीटर पानी स्टोर करेंगे? 5 × 3 यानी कि 15 लीटर। अब कह रहा है कि इन दोनों पाइपों को बंद कर दिया गया और तुरंत ही पाइप सी को चालू कर दिया गया। तो बताइए टंकी को पाइप सी कितने समय में खाली कर देगा? तो देखिए हमें पता है कि सी जो पाइप है वो 1 घंटे में 4 लीटर पानी जो है बाहर फेंकता है टंकी से, और अभी टंकी में पानी कितना है? 15 लीटर है। तो सी जो है इस 15 लीटर पानी को बाहर फेंकने में कितना समय लगेगा भैया? 15 / 4 घंटे। और जब आप इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 से भाग देंगे भी कितनी बार? 3। 4 × 3 = 12। कितना बचा? 3 बचा। कितना बचा भैया? 3 बचा। और यह क्या हो गया? 4। यानी कि 3 सही 3/4 घंटे, 3 सही 3/4 घंटे में पाइप सी जो है इस टंकी को खाली कर देगा। तो ये हमारा आंसर होता है। चलिए भैया ये क्वेश्चन पूरा हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11, इसे रफ करते हैं। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 3 नल क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 4/3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर व्यास के हैं, उसमें से बहने वाले जल का अनुपात उनके व्यास के अनुपात के बराबर है। ओके, उनके व्यास के अनुपात के बराबर है। उसमें यानी सबसे बड़ा नल अकेले टंकी को 61 मिनट में भर सकता है। जो सबसे बड़ा नल है वो 61 मिनट में टंकी को भर सकता है। तो सभी नल एक साथ खोलें तो टंकी को टंकी कितने मिनट में भरेगी? चलिए भैया शुरू करते हैं। तो देखिए उनकी दक्षता का अनुपात निकालते हैं, और उनकी दक्षता का अनुपात उसने पहले बताया कि व्यास के वर्ग के अनुपात में है। तो दक्षता का अनुपात निकालेंगे भैया, क्या होगा? दक्षता का अनुपात जो कि उसने पहले बताया कि उनके व्यास के वर्ग के अनुपात है। तो व्यास क्या है भैया उसका? 1 सेंटीमीटर, और अनुपात कितना भैया? 4/3। तो 4/3 व्यास का वर्ग कर दीजिए, और दूसरा क्या भैया आपका? 2, तो इसका वर्ग कर दीजिए। देखिए भैया इसका जब हम वर्ग करेंगे तो क्या होगा इसका वर्ग? देखिए इसमें ये 3 से भाग लगा रहा है, यानी दूसरा जो पाइप है उसका 4/3 रखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे इसमें सभी इसमें 3 से गुणा कर दीजिए, यानी 1 × 3 अनुपात 4/3 मल्टीपल 3, यानी सभी के नीचे से इसको समान करने के लिए, ठीक है, ये संख्या जो हमारी अपॉन में है इसको समान करने के लिए हम 3 से मल्टीपल कर रहे हैं, अनुपात 2 × 3। ओके, इसका वर्ग कर दीजिए, इसका वर्ग करना है आपको। तो देखिए इनका वर्ग करेंगे तो इस 3 से पहले ये 3 कैंसिल हो जाएगा ना, और ये होगा 3 का वर्ग 9, और ये होगी 4 का वर्ग 16, और ये 3 × 2 = 6, 6 का वर्ग कितना होगा? 36 हो गया। ओके, ये उनका हमने वर्ग निकाल लिया। अब उस क्वेश्चन ने क्या कहा था कि सबसे बड़ा नल जो 61 मिनट में भरता है, सबसे बड़ा जो नल ये होगा, ये 61 मिनट में इसको भरता है। तो ये क्या करें आप, कुल कारण निकाल लीजिए यहां से। क्या निकाल लीजिए? कुल कारण। तो कुल कारण क्या हो जाएगा भैया? कुल कारण बराबर सबसे बड़ा 36 × 61, ये हो गया भैया आपका कुल कार्य। अब ये कुल कार्य निकाल लिया आपने, तो अब इन तीनों नलों को ये काम करना है, तो कुल दक्षता कितनी हो जाएगी तीनों नल की? कुल दक्षता कितनी हो जाएगी? तो कुल दक्षता भी आप इनको जोड़ लीजिए, कुल दक्षता बराबर 9 + 16 + 36 कितनी हुई है कुल दक्षता? 61 हुई। कुल दक्षता कितनी हुई? 61 हुई। अब ये सभी को कार्य करना था, जो कि कुल कार्य कितना था? 36 × 61।
तो कुल कार्य कितना, कुल समय कितना लगेंगे सही नलों को, 36 × 61 डिवाइड बाई 61, 61 से 61 कैंसिल हो गया, कितना 36 मिनट, कितना समय लगा 36 मिनट का समय लगा, हमारा आंसर क्या हो गया 36 मिनट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, नल एक्स 20 घंटे में एक टंकी को भर सकता है और नल वाई एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, यदि वे एकांतर घंटे में खोले जाते हैं, यदि वे एकांतर घंटे में खोले जाते हैं, यदि पाइप एक्स को पहले खोला जाता है तो कितने घंटे में टंकी भर जाएगी। देखिए भैया, एक नल का नाम है एक्स जो कि 20 घंटे में टंकी को भर सकता है और दूसरे नल का नाम है वाई जो कि 5 घंटे में टंकी को भर सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनकी कुल कार्य क्षमता निकालेंगे, टंकी कुल धारता निकालेंगे कितनी होगी, टंकी की कुल धारता। तो दो नंबर का एलसीएम लिया, टंकी की धारता हो गई ओके 20, यानी कि 20 लीटर हो गया। अब ये इसके लिए क्षमता देखेंगे एक्स पाइप की जो है, तो कितना आ गया भैया 1 लीटर आ गया, 1 लीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है, जबकि वाई पाइप है उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 से भाग दे दो, 4 लीटर प्रति घंटे की हो जाएगी ओके। अब कह रहा है कि इन पाइपों को एकांतर क्रम में खोला जाता है, यानी कि पहले अगर एक्स आता है तो अगले घंटे वाई आएगा, फिर तीसरे घंटे में एक्स आएगा, फिर अगले घंटे में वाई आएगा, और कार्य जो है पाइप ए से, सॉरी पाइप एक्स से शुरू किया गया है। तो देखिए, 1 घंटा अपना एक्स लेगा, 1 घंटा एक्स लेगा, और कितने लीटर पानी स्टोर कर देगा भैया, वो 1 लीटर पानी स्टोर कर देगा, 1 लीटर। अब आगे देखिए, सेकंड बारी किसकी आई, बाई की आई, तो बाई ने अपना 1 घंटा लिया, बाई ने अपना 1 घंटा लिया और कितने लीटर पानी स्टोर कर दिया भैया उसने, 4 लीटर पानी स्टोर कर दिया। इस तरीके से हमने देखा कि 1 घंटा एक्स का और 1 घंटे वाई का, दोनों ने मिलकर कितना कार्य कर दिया, कितना पानी स्टोर कर दिया, तो 2 घंटे में 5 लीटर पानी स्टोर कर दिया भैया, 2 घंटे में 5 लीटर पानी स्टोर कर दिया। अब इसी तरह से पूरी टंकी को भरना है, 2 घंटे में 5 लीटर पानी स्टोर करता है तो ये 4 घंटे में कितना हो गया, 10 लीटर हो जाएगा। तो आप ये देखिए, वही 6 घंटे में कितना हो जाएगा, 15 लीटर हो जाएगा, और वही 4 घंटे में 20 लीटर हो जाएगा। तो आप ऐसा कीजिए कि हम 5 में किस संख्या से मल्टीप्ल करें कि हम 20 के पास पहुंच जाए या 20 के पास पूरी तरह से पहुंच जाए। ठीक है, तो आप इधर 4 से मल्टीप्ल करेंगे तो 4 × 5 = 20 होगा, और दोनों तरफ भी बात बराबर की है तो इधर भी आपको 4 से मल्टीपल करना होगा। तो हमने इधर देखा कि हमारा समय जो लगा है वो 8 घंटे लगा है, और पूरे 8 घंटे में 20 लीटर पानी, 20 लीटर की टंकी जो भर जाती है, तो हमारा आंसर कितना हुआ भैया, 8 घंटे हमारा आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या था भैया, 3 पाइप 10 घंटे में 1 टैंक को खाली कर सकते हैं, 2 घंटे में टैंक को खाली करने के लिए कितने पाइपों की आवश्यकता होगी। ठीक है भैया, यानी कि 3 पाइप किसी टैंक को 10 घंटे में खाली करते हैं तो कुल कार्य कितना हो जाएगा भैया, 3 × 10 कितना हो गया भैया, 3 × 10 हो गया कुल कार्य। अब कह रहा है 2 घंटे में टैंक को खाली करने के लिए कितने पाइपों की आवश्यकता होगी, तो आप इसमें जो 2 से डिवाइड कर दीजिए भैया, 2 घंटे में कार्य करना है पूरे, तो कितना हो जाएगा 2 से 5 बार कैंसिल, 5 × 3 यानी 15 पाइपों की आवश्यकता होगी, और यही हमारा आंसर होगा ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 14,
क्वेश्चन नंबर 14, यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है, तो जब टैंक का आधा भाग भरा होगा तो उसमें कितना पानी आएगा? तो भी टैंक जब कितना भरा होता है, 1/3 भरा होता है, तो किसना कितना पानी आ रहा है उसमें? 80 लीटर पानी आ रहा है। तो आपको देखना है कि टैंक की कुल धारिता कितनी है, टैंक की कुल धारिता कितनी है। तो आप क्या करेंगे, 1/3 में 80 लीटर पानी है, तो आप 80 को डिवाइड कर देंगे 1/3 से, यहां से हमें कुल धारिता मिल जाएगी। तो कुल धारिता कितनी होगी भैया हमारा, 80 × 3 240 लीटर, 240 लीटर। अब टैंक का आधा भाग भरा है, टैंक का आधा भाग भरा है, तो भैया आधा भाग भरा है, टोटल कितना है 240, तो आधा निकालने के लिए क्या करना है आपको, 240 में 2 से डिवाइड कर दीजिए, 120 लीटर, और यही हमारा आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है पाइपों की त्रिज्या के वर्ग के अनुसार, पाइपों की त्रिज्या के वर्ग के अनुसार पाइपों में पानी के प्रवाह की दर का अनुपात प्रतिलोमित बदलता है। ओके, 2 सेंटीमीटर व 4 सेंटीमीटर व्यास वाले दो पाइपों में पानी के प्रवाह का अनुपात क्या होगा? तो देखिए भैया, प्रवाह का अनुपात पूछा उसने, तो प्रवाह का अनुपात बराबर, अनुपात बराबर उसने बताया कि उसके यानी वर्ग के अनुसार बदलता है, तो आप क्या कर देंगे, R2/R1, ये त्रिज्या होगी दोनों पाइपों की, और इसका कर दीजिए आप वर्ग। अच्छा, R2 की त्रिज्या, R2 की वैल्यू कितनी भैया, क्वेश्चन दे रखी है R2 की वैल्यू कितनी, 2 है और R1 की 1 है, तो 2/1 का आप वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा भैया, 4/1 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, 4/1 हो गया, और वही इनका अनुपात पूछा है, तो अनुपात में क्या लिखेंगे आप, 4:1। ओके, ये इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, जल से पूरे भरे बर्तन का वजन 16.5 किलोग्राम है, यानी एक जल बर्तन है जो कि पूरा जल से भरा हुआ है, तो उसका कुल वजन कितना है, 16.5 किलोग्राम है। जब बर्तन 1/4 भाग भरा है तब उसका वजन कितना भैया, 5.2 केजी है, यानी 5.2 यानी 5.25 किलो है। खाली बर्तन का वजन क्या है आपसे उसने पूछा है। तो देखिए भैया, मैं आपको एक सही तरीका बताता हूं इसका, कि जब बर्तन पूरा भरा है तो वजन कितना है, 16.5 है, और जब बर्तन में 1/4 भाग भरा है तो वजन कितना है, 5.25 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जल का कितना भाग शेष था, जल का कितना भाग शेष था जो कि भरा नहीं गया, जिसके कारण उसका जो वजन है 16.5 से घटकर कितना रह गया, 5.25 रह गया। तो कितना भाग है जो जल से नहीं भरा गया, तो भैया जल से यानी जल का शेष भाग, जल का शेष भाग 1 - 1/4 कितना हुआ भैया, 3/4 भाग, कितना हुआ, 3/4 भाग, और ये 3/4 भाग भरा हुआ नहीं था, इसलिए उसका वजन 16.5 से घटकर कितना रह गया, 5.25 रह गया। तो अगर हम इसका भार ज्ञात करें 3/4 भाग का, 3/4 भाग का वजन अगर हम ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा बच्चे, 16.5 - 5.25 माइनस कर दिए, कितना हो जाएगा, 11.25 केजी हो गया, कितना हो गया, 11.25 केजी हो गया। ये जल के 3/4 भाग का वजन है 11.25 केजी। अब हमें यहां जल का कुल भार ज्ञात करना है, जल का कुल भार ज्ञात करना है, जल का कुल भार ज्ञात करना है। तो भी जल का कुल भार जब हम ज्ञात करेंगे तो क्या करें, 11.25 में
आप भाग दे दीजिए 3/4 से, जो आपका कितना हो जाएगा 15 kg हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15 kg, यानी कि जल का कुल भार निकल के आया आपका 15 kg। और जब ये जल उस बर्तन में था तो उसका वजन कितना था 16.5 kg था। कितना था 16.5 kg था, यानी कि उसमें बर्तन का वजन शामिल करोगे तो उसका भार कितना 16.5 kg। और अब हमें बर्तन का वजन निकालना है तो उसमें से जल का भार माइनस कर दीजिए, यानी कि खाली बर्तन का भार बराबर 16.5 माइनस के 15, कितना हो भैया 1.5 kg। ओके, और भैया ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और यूपी पुलिस के अनुसार हमने सारे जो है क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं, और इसके लिए जो है हम यहीं पर जो है पाइप एंड सिस्टम टॉपिक को एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक होगा और आप इसको सही से जो है रीड कर सकते हैं। जो भी समझ में नहीं आए तो वीडियो को रोक करके एक बार फिर देख सकते हैं, रिटर्न देख सकते हैं, और हर चीज जो है अच्छे से एक्सप्लेन की गई है, तो एक बार नहीं समझे तो आप दूसरी बार में समझ सकते हैं। ओके, और हम कल जो है नया टॉपिक लेके आएंगे, और सभी से जो है अनुरोध है कि प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से हमारे चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ाते रहें। ओके, धन्यवाद।